गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में हमने अभी तक जो स्टडी किया कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स, फीचर्स, प्रिंसिपल्स ये अभी तक स्टडी किए। नाउ द अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस ऑफ बेनिफिट्स, और वन कैन से दैट इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, राइट। सो व्हाट इज द बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ, क्या बेनिफिट है हमें कॉर्पोरेट, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। सो फर्स्ट इज क्रिएटिंग गुड विल, क्रिएटिंग गुड विल। So how the good corporate governance create goodwill? So अगर हम जो है अच्छी तरह से corporate governance follow करते हैं, है ना, so इससे क्या होता है कि market में हमारी goodwill जो है बनती है। अब corporate governance से कैसे goodwill बनेगी, क्योंकि हमारी brand की image बनेगी, image बनेगी मतलब हम जो है एथिकल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम प्रॉपर वे से कस्टमर से डील कर रहे हैं, अपने स्टेक होल्डर शेयर होल्डर से डील कर रहे हैं, प्रॉपर एथिकल वे में हम काम कर रहे हैं, है ना, जिससे वजह से क्या है कस्टमर जो है वो लॉयल होगा। जब लॉयल होगा तो कहीं ना कहीं हमारी जो है वैल्यू इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से हमारी जो है गुडविल इंक्रीज होगी। द सेकेंड पॉइंट इज असेसिंग कैपिटल एंड फाइनेंस, एक्सेसिंग कैपिटल एंड फाइनेंस, एक्सेसिंग कैपिटल एंड फाइनेंस क्या होता है प्रॉपर वे से अगर हम गुडविल क्रिएट होती है, ठीक है, मार्केट में अच्छी तरह से हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जिनकी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस या गुडविल हो, अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो, मतलब एथिकली तरीके से वो काम करते हो, तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो फाइनेंस करने के लिए रेडी रहते हैं। अब इन्वेस्टिंग जो है फाइनेंस करने के लिए रेडी रहेंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म कैपिटल्स जो है उसके जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो फुलफिल हो जाएगी। तो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हमें कैपिटल और फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती है। देन हायर मार्केट वैल्यूएशन, हायर मार्केट वैल्यूएशन, हायर मार्केट वैल्यूएशंस का क्या मतलब है, लाइक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस लीड्स टू हायर मार्केट वैल्यूएशन। क्या है कि अगर हम अच्छे तरीके से काम करेंगे, अच्छी गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमारा है, तो कहीं ना कहीं गुडविल रेज होगी, गुडविल से कैपिटल फाइनेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी और मार्केट में हमारी जो है वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो अगर हम अच्छे तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्लीमेंट कर पाते तो कहीं कहीं ना कहीं मार्केट में हमारी वैल्यूएशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। द नेक्स्ट वन इज स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी, स्टॉक मार्केट एफिशिएंसी, स्टॉक मार्केट अभी शेयर मार्केट में हमारी मार्केट एफिशिएंसी गुड गवर्नेंस की वजह से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। एक इंसिडेंट है 1997 में, जो पुअर इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस थी जो फर्म्स, है ना, उनकी जो है मार्केट एफिशिएंसी लो हो गई थी एज कंपेयर टू जिनकी गवर्नेंस अच्छी थी, ठीक है। नाउ रिड्यूसिंग रिस्क, रिड्यूसिंग रिस्क, गुड
कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से हमें जो हमारी फर्म को है वो रिस्क कम होगा, बिकॉज जो डायरेक्टर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं हमारे, जो भी हैं वो नए आइडिया और इंडिपेंडेंट आइडियाज के साथ, न्यू आइडियाज के साथ आएंगे। न्यू आइडियाज क्या साथ आएंगे, तो वो कहीं ना कहीं हर चीज के ऊपर चेक रखेंगे, प्रॉपर वे से चेक रखेंगे कि प्रॉपर वे से इम्प्लीमेंटेशन हो रही है चीजों की या नहीं हो रही, तो उसकी वजह से रिस्क जो है हमारा रिड्यूस होगा। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे गुड गवर्नेंस है, अगर हम सोशल जो भी हमारे स्टेक होल्डर हैं, है ना, सोसाइटी में लाइक कम्युनिटी है, हमारे सप्लायर्स हैं, कस्टमर्स हैं, इन्वायरमेंट है, अगर कहीं ना कहीं हम अच्छी तरीके से जो है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, तो हम कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी इसको भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ये सारे एक्टिविटीज हमारी ठीक ढंग से रहेंगी, उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, तो मार्केट में हमारी वैल्यू भी बनेगी और बेनिफिट भी होगा कहीं ना कहीं कंपनी की रेपुटेशन के लिए। देन रिड्यूसिंग वेस्टेज, सेवेंथ इज रिड्यूसिंग वेस्टेज। रिड्यूसिंग वेस्टेज में क्या है कि अच्छा तरीके से हम गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं गवर्नेंस को इम्प्लीमेंट, तो क्या होता है कि प्रॉपर वे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होगा, बिकॉज हम एज पर कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट ही जो रूल्स रेगुलेशंस बने हैं उसी के अकॉर्डिंग हम सोर्सेज का यूटिलाइज करेंगे। जो अगर हम सोर्सेज को प्रॉपर वे से यूटिलाइज करेंगे तो हमारी वेस्टेज कम होगी। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंक्रीजिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी। इंक्रीजिंग ऑपरेशन एफिशिएंसी का क्या मतलब हुआ कि अगर हम जो है प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस एथिकल वे में हर चीज हर काम करते हैं ना, तो हमें क्या है सारी की सारी क्या है ट्रांसपेरेंसी रहेगी वर्क में। जब ट्रांसपेरेंसी वर्क में रहेगी तो कहीं ना कहीं ऑपरेशंस में एफिशिएंसी इंक्रीज होगी, वेस्टेज कम होगी, या हम प्रॉपर वे से रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, तो हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं वो प्रॉपर वे से वर्किंग रहेंगे। तो कहीं ना कहीं जब सब कुछ प्रॉपर वे में हो रहा है तो कहीं ना कहीं ना टाइमली मैनर में हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं किसी भी फील्ड के, किसी भी एरिया के, वो सारे के सारे प्रॉपर रहेंगे। जब प्रॉपर रहेंगे तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी भी उसकी वजह से इंक्रीज रहेगी। एंड द लास्ट वन, कॉम्बैटिंग करप्शन। कॉम्बैटिंग करप्शन। करप्शन से हमें, भ्रष्टाचार से निजात मिलेगा, अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहेगी। कैसे मिलेगा, जब हमारी सारी ट्रांसपेरेंसी रहेगी, चाहे जो अकाउंट स्टेटमेंट्स हैं उसके उसका प्रॉपर वे से डिस्क्लोजर रहेगा एम्प्लॉयज के आगे और सोसाइटी के आगे, है ना, सो हर चीज जो है वो ओपन रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, फेयरनेस रहेगी आइडियाज की, है ना, देन जो है अकाउंटेबिलिटी हर किसी की रहेगी, तो प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट के साथ काम होगा, प्रॉपर एथिकली वर्क होगा, तो कहीं ना कहीं करप्शन उससे घटेगी, और करप्शन घटेगी तो कहीं ना कहीं फर्म जो है या बिजनेस जो है वो फायदे में रहेगा। सो दीज आर द 9 पॉइंट्स विच हाईलाइट्स द बेनिफिट एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की ये बेनिफिट बताता है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो ये पॉइंट्स थे। नाउ विल डू अनदर टॉपिक, दैट इज एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, राइट। सर्टेन कॉन्सेप्ट्स विच आर टोटली रिलेटेड विद द विच आर रिलेटेड विद द किसके साथ रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विद द
सर्टेन कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड विद द कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के साथ रिलेटेड है. दैट इज कॉन्सेप्ट्स, और इसको ये भी बोल सकते हैं स्कोप ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस. सो स्कोप एरिया क्या है ना, कॉर्पोरेट या कॉन्सेप्ट जो कि रिलेटेड है, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट गवर्नमेंट. फर्स्ट इज बिजनेस एथिक्स. ठीक है, वी ऑल नो व्हाट इज बिजनेस एथिक्स. बेसिकली इथोस से बना है, जिसमें जिसका मतलब होता है नॉर्म्स और कस्टमर, सॉरी कस्टम, नॉर्म्स और कस्टम्स. सो बिजनेस क्या, हर बिजनेस को करने के लिए कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ उसके ऑपरेशंस को करने के लिए नॉर्म्स होते हैं, जैसा हमने डिस्कस भी किया था बिजनेस एथिक्स के पार्ट में. सो विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ही ये एक पार्ट है. देन एथिकल गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस. एथिकल गवर्नेंस क्या चीज हुई कि हर चीज को करने का एक प्रॉपर वे है, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं. सो अगर वो जो है एक्सेप्टेबल बिहेवियर है ना, और कहीं ना कहीं हमें उन चीजों के साथ अपने बिजनेस को आगे बढ़ना है, ताकि हम अपने बिजनेस को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर पाए दूसरे बिजनेस की वजह से. सो दैट कम्स अंडर एथिकल गवर्नेंस. थर्ड इज ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस एज द नेम सजेस्ट, इलेक्ट्रॉनिक, विच इज रिलेटेड टू द एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेट एक्टिविटी और डिजिटल एक्टिविटीज इन द बिजनेस. सो ई गवर्नेंस रिलेटेड उससे है. देन वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट्स, कोड ऑफ कंडक्ट्स, कोड ऑफ कंडक्ट. ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट में पर्टिकुलर हर काम को करने का एक प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस हैं ना, प्रॉपर उस कंडक्ट को कोड ऑफ कंडक्ट या बिजनेस कोड ऑफ कंडक्ट, या हर काम को करने का एक तरीका है, जिस जो कि एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, अनएक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एथिकल वे में कोई काम करते हैं. दैट ऑल्सो कम्स अंडर द कॉर्पोरेट गवर्नेंस. देन द ग्रीन गवर्नेंस, ग्रीन गवर्नेंस. ग्रीन गवर्नेंस एज द नेम सजेस्ट रिलेटेड टू द इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज टू बी इको फ्रेंडली फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन. ग्रीन गवर्नेंस में हमें रिड्यूसिंग द वेस्ट, रिड्यूसिंग द हार्मफुल गैसेस फ्रॉम द बिजनेस कम्स अंडर द ग्रीन गवर्नेंस. ठीक है, सो दिस इज पार्ट ऑफ सम इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट विच इज रिलेटेड टू द गव कॉर्पोरेट. ये पांच चीजें हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस से रिलेटेड है, और यही स्कोप एरिया है इनका. जैसे कि हमने बिजनेस एथिक्स किया, एथिकल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, इंटरनेट रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी रहेंगे, डिजिटल एक्टिविटी, कोड ऑफ कंडक्ट, एंड देन ग्रीन गवर्नेंस जिसमें हमने स्टडी किया था एनवायरमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज. सो आप होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी. सो मेरे चैनल AKM मैनेजमेंट क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू.